जो स्टूडेंट्स ये सेशन नहीं देख पाए हैं ऑन द टॉप यू सी द वीडियो गो एंड वॉच इट आउट बिकॉज दिस मेजर डेफिनेशन से जो चेंज आया वही इस पूरे एक्ट का भारतीय साक्ष्य अधिनियम का एक बेस है कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग कन्फेशन्स में भी चेंज आया जिस पर हमने बहुत इलेबोरेटली डिस्कशन कर ली है कि कन्फेशन्स में क्या इंक्लूड किया गया है क्या इंक्लूड नहीं किया गया है तो आप इससे भी रिलेटेड जो लिंक है ऊपर दिख रहा है आप जाइए और इसको भी देखिए कन्फेशन्स नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस हेयर अबाउट ज्वाइंट ट्रायल्स एंड एबिंग एक्यूज पहले इंडियन एविडेंस एक्ट में ज्वाइंट ट्रायल्स कैसे होती थी ज्वाइंट ट्रायल्स के लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस थी एंड कंपेरेटिवली भारतीय साक्ष्य अधिनियम में इसके रिगार्डिंग क्या प्रोविजन्स आए हैं ज्वाइंट ट्रायल्स में अब क्या चेंज आया है एब्सकॉन्डिंग एक्यूज जो हैं अगर कोई एक्यूज इज़ रनिंग अवे फ्रॉम द प्रोसीजर ऑफ कोर्ट प्रोसेस ऑफ कोर्ट और वो टाइम पर प्रेजेंट नहीं हो रहा है तो क्या ज्वाइंट ट्रायल पर इसका कैसा इफेक्ट होगा दैटी हेयर यू ऑल लिट केयरफुली एंड व्यूवर्स हैो एंड सब्सक्राइब इट फास्ट फॉर गेटिंग मोर वीडियो एंड अपडेटेड सिलेबस ऑफ दीज न्यू एक्ट हेयर आर आवर डिफरेंट वेज थ्रू विच यू कैन गेट इन टच विद स्टूडेंट्स कमिंग टू दी

कंपेयर uh, में इसको देखें तो आप अपने बैर एक्ट लेकर बैठे हैं प्रोविजंस में देखिए कैसे क्या रहेगा जो इंडियन एविडेंस एक्ट है देखिए एक बार हम उस पे नजर डालते हैं उसमें क्या था इट हैज अलाउड दिस जॉइंट ट्रायल्स ओनली इफ मोर देन वन पर्सन वाज चार्ज्ड विद सेम क्राइम जो स्टूडेंट्स इंडियन एविडेंस की प्लेलिस्ट नहीं देख पाए हैं उसमें हमने जो भी सिलेबस किया था सेशंस किए थे आप एक बार उनको भी देखिए क्योंकि वहाँ से आपको ये चेंजेस बहुत ज़्यादा इजीली समझ में आएंगे सो ऑन द टॉप यू सी द लिंक ऑफ प्लेलिस्ट ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट डियर स्टूडेंट्स एंड कमिंग टू दिस यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो इंडियन एविडेंस एक्ट है उसमें ज्वाइंट ट्रायल तभी चलेगा जब एक से ज़्यादा एक्यूज सेम क्राइम करते होंगे अगर सेम क्राइम का दोनों एक से ज़्यादा एक्यूज पर चार्ज है तभी ज्वाइंट ट्रायल होगा बट भारतीय साक्ष्य अधिनियम में इसके रिलेटेड एक चेंज आया है क्या चेंज आया है न्यू रूल आया है दिस न्यू रूल मेक्स इट पॉसिबल कि जो ट्रायल होंगे इट शुड बी नाउ ब्रॉट इन अ वाइडर वे इस डेफिनेशन को भी एक्सपेंड कर दिया गया है ठीक है वहां पर सिर्फ ये था कि मोर देन वन पर्सन होगा तब वो चार्ज ज्वाइंट ट्रायल पर होगा बट नाउ ट्रायल जो अब है उसको कैसे ब्रॉड किया गया द बी एस यहां पर समझिएगा कि अगर एक भी पर्सन मिल जाता है देखो इंडियन एविडेंस एक्ट में क्या है कि कोर्ट ज्वाइंट ट्रायल तभी चलाएगी जब उसके सामने एक से ज्यादा एक्यूज्ड प्रेजेंट होंगे राइट प्रेजेंट होंगे मींस दे आर फिजिकली प्रेजेंट इन द कोर्ट अगर एक भी भाग रहा है तो वो ज्वाइंट ट्रायल का केस नहीं बनता है अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम इसमें क्या कहता है कि चाहे एक भी एक्यूज मिल जाए मीन्स ज्वाइंट ट्रायल का चार्ज सब पे लगा था बट उनमें से अगर एक भी प्रेजेंट है तो ज्वाइंट ट्रायल चलेगा हमें बाकियों की प्रेजेंस की नीड नहीं है अगर कोई भी एक्यूज फरार है तब भी एक पर हो एक भी प्रेजेंट हो मिनिमम वन भी हो उस पर भी केस चलेगा एज अ ज्वाइंट ट्रायल प्रोसीजर जो भी प्रोसेस ज्वाइंट ट्रायल का होता है जैसा भी वो एक प्रोसीडिंग्स चलते हैं वो वैसे ही चलेंगे तो यहाँ पर जो एक्यूज सिंगल प्रेजेंट है वो ये क्लेम ये रीजन नहीं दे सकता बाकी तो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है तो मैं इस पर्टिकुलर जो ये प्रोसेस चल रहा है ज्वाइंट ट्रायल का ये मेरे पे नहीं चल सकता बाकियों को प्रेजेंट कीजिए नहीं आप प्रेजेंट हो दैट्स इनफ सो बी एस एस इज इवन इफ वन एक रंस ऑफ और डजेंट कम

एप्सकॉन्ड कर रहा है भगोड़ा साबित हो गया है तो बाकियों पे जॉइंट ट्रायल बनेगा और वो उसका इश्यू या उसका रीजन उसका एक क्लेम नहीं उठा सकते इसके पीछे आइडिया क्या था टू कीप द लीगल प्रोसेस गोइंग वेल इवन इफ अ पर्सन एक्यूज डजेंट शो अप राइट स्टूडेंट सो विद द बी न्यू रूल एक न्यू रूल ही तो है द लॉ हैज अ वे टू डील विद द केसेस जहां पर पीपल डोंट द ट्रायल अगर एक ज्वाइन नहीं कर रहा है ट्रायल को तो बाकी ये नहीं कहेंगे कि वो तो आ नहीं रहा तो हमें भी ट्रायल क्यों कर रहे हो नहीं आप उसका रीजन अपने प्रोसीडिंग्स में नहीं दे सकते वो ज्वाइंट ट्रायल की तरह ही केस चलता रहेगा सिस्टम बेटर स्टॉपिंग द केसेज फ्रॉम स्लोइंग डाउन क्योंकि क्या होता है अब उस भगोड़े सा अक्यूज की वेट में केस पेंडिंग में चलता रहता है स्लो डाउन हो जाता है प्रोसेस नहीं चलता बाकीयों पर कैसे ट्रायल स्टार्ट करें वही नहीं मिल रहा है पहले उसको पकड़ के लाओ तभी ट्रायल जो है वो स्टार्ट होगा सो दिस हैज डिलेड द प्रोसेस ऑफ या यू कैन से डिलेड द केस पूरे केस को स्लो डाउन कर देता है एक्चुअल में जो जस्टिस हमें मिलना है वो जस्टिस ही स्लो डाउन हो गया एंड विच इज़ हैम्परिंग द वेरी बेसिस ऑफ आवर इंडियन लीगल सिस्टम सो द गोल इज गोल इज़ टू नॉट लेट केसेस गेट स्टक बिकॉज सम वन एक्यूज इज़ नॉट देयर सिर्फ एक पर्सन के भागने से हम उस पूरे ट्रायल को उस पूरे केस को एक जगह रोक कर नहीं बैठ सकते इसी बेसिस पर इसी प्रिंसिपल में इसमें चेंज लाया गया और ये बहुत ज़रूरी था नेक्स्ट वॉट इट्स एज सो विद द वी एस ए भारतीय साक्ष्य अधिनियम डीलिंग विद द एक्यूज पर्सन हु डिसअपीयर्ड हैज बिकम बेटर इसमें चेंज आया है एज यू कैन सी द एक्ट सेज दैट ट्रायल्स कैन मूव फॉरवर्ड ट्रायल चलते रहेंगे इवन इफ एक पर्सन जो है वो मिसिंग है बाकियों पर ट्रायल नहीं रुकना चाहिए दिस कीप्स द लीगल प्रोसेस रनिंग वेल एंड ट्रीट एवरी वन फेयरली एंड क्विकली ड्यू टू जस्ट एब्सेंस ऑफ वन पर्सन यू कैन नॉट डिले The proceedings of all the trial of all the process, and you have to maintain the continuity. That's the basic principle behind this change of joint trials and absconding of accused person. I hope, dear students, you understood this topic very well. This is the new change brought in this Bhate Sakshi adhiniyam from Indian Evidence Act so maintain your continuity with me you are free to approach us if you have any questions any doubt any queries through these ways follow us on telegram instagram for more updated videos for more updates till then